मस्तिष्क और रीढ़ की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ा नाम डॉक्टर सचिन तोमर, मस्तिष्क व रीढ़ के विशेषज्ञ व सर्जन। फिनिक्स स्पाइन एवं न्यूरो सर्जरी सेंटर मेट्रो प्लाजा के निकट मेरठ मॉल में स्थित दिल्ली रोड मेरठ। आज मेरठ की कुछ बात ही अलग है। शहर के प्रमुख सड़कें चौराहे सजाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वे टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए मेरठ को दुल्हन की तरह सजाया गया है। नगर निगम ने सफाई व्यवस्था के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले एक सप्ताह से सफाई में पूरा नगर निगम अमला जुटा रहा। यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि ऐसा सिर्फ एक ही दिन क्यों? क्यों नहीं नगर निगम व सिस्टम अपनी ड्यूटी को रोज अंजाम देता है? क्यों सफाई कर्मचारी इस सप्ताह की तरह हमेशा अपनी ड्यूटी के प्रति मुस्तैद नहीं रह सकते? क्यों नहीं नगर निगम के जिम्मेदार अफसर अपनी जिम्मेदारी के प्रति सजग नहीं रहते? क्यों यह शहर अन्य शहरों की तुलना में सफाई के मामले में काफ़ी पिछड़ा दिखाई देता है, वह भी तब जबकि मेरठ नगर निगम के पास संसाधन व कर्मचारियों की लंबी चौड़ी फौज कार्यरत है। स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहे मेरठ में सभी कार्य तेजी से आगे बढ़ें, इसके लिए ही मेरठ नगर निगम में IAS अधिकारी की तैनाती की गई है। लेकिन सवाल उठता है कि IAS की तैनाती के बावजूद भी क्या नगर निगम का ढर्रा बदला है? जवाब ना ही होगा। दिलचस्प व गंभीर बात यह भी है कि समय समय पर नगर निगम व प्रशासनिक अफसरों द्वारा विशेष सफाई अभियान भी चलाया जाता है, तो वह उन पास कॉलोनियों में चलता है जो पहले से ही स्वच्छ कॉलोनी की श्रेणी में आती है। बीते दिवस मंडलायुक्त व नगर आयुक्त ने डिफेंस कॉलोनी में यह अभियान चलवाया था। यह जो वीडियो आप देख रहे हैं यह शहर के मुख्य प्रवेश व अति व्यस्तम चौराहों में से एक है, बेगम पुल। यहाँ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। मुख्यमंत्री व खिलाड़ियों के आगमन को देखते हुए यहाँ आज सफाई की गई थी, लेकिन नगर निगम की सफाई व्यवस्था की पोल की यह चुगली यह वीडियो खोल रही है। इन हालातों को देखकर यही कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ माह में कम से कम एक बार तो मेरठ आ जाया करें, ताकि शहरवासियों को स्वच्छ वातावरण में जीने का वह अधिकार मिल सके जिसके लिए वे अधिकृत हैं। इससे पहले आज मेरठ पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का सांसद राजेंद्र अग्रवाल व विधायक सोमेंद्र तोमर ने भव्य स्वागत किया। मैं सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश शासन का आभार प्रकट करता हूँ कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने देश भर के पैरालंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित करने का जो निर्णय लिया है वो प्रशंसनीय सराहनीय है। खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी होगा और जो इतनी बड़ी उपलब्धि हमारे पैरालंपियंस की टोक्यो में रही है उसको लेकर ये सम्मान समारोह जो आज किया जा रहा है ये उत्तर प्रदेश सरकार का एक बहुत बड़ा निर्णय है। पूरा देश उसका स्वागत करता है। इससे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और उत्तर प्रदेश में भी खेल प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिलेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV और हाँ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना व बेल आइकन दबाना भी न भूलें। नमस्कार।